करेगा तो वो तो सीखती नहीं बनती है। मॉर्निंग और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है गांधी जयंती, तो हैप्पी गांधी जयंती टू ऑल ऑफ यू। पता नहीं मुझे कि ये वाला जो ब्लॉग है ये कब जाने वाला है। आई थिंक थोड़ा लेट जाएगा, मतलब गांधी जयंती के पता नहीं कितने दिनों बाद जाने वाला है। तो आज मेरे कुछ प्लान्स हैं, तो फटाफट से मैं बस आई जस्ट टेक अ शावर, और सुबह के अभी बज रहे हैं 10:30, तो मैं फटाक से शावर लूँगी और हम लोग निकलने वाले हैं कहीं पे। तो कहाँ जाने वाले हैं उसके लिए स्टे ट्यून्ड, और मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। टिल देन, हे गाइस, सो आई जस्ट टुक अ शावर। अभी मैंने अपने स्किन केयर पे फेस वॉश किया है एंड देन टोनर लगाया है, और उसके बाद आई एम गोइंग टू यूज़ दिस मामा अर्थ बाय बाय ब्लेमिशेस फेस क्रीम। तो ये जो प्रोडक्ट है ये मुझे कल ही रिसीव हुआ है बाय मामा अर्थ, और ये दिस वीडियो इज़ इन कोलैबोरेशन विद मामा अर्थ एज वेल। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से दिखता है, और आज फर्स्ट डे है जब मैं इसको यूज़ करूँगी। तो सो दिस इज़ द पैकेजिंग, ये इस तरह से पैकेजिंग में आता है, और इसका टोटल प्राइस है 449 रुपीज़। और अगर आप मेरा कूपन कोड जो स्क्रीन पे दिया हुआ है वो यूज़ करेंगे तो आपको इस पर 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो बेसिकली ये जो बाय बाय ब्लेमिशेस फेस क्रीम है ये विथ मलबरी एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन सी इसमें मिला हुआ है, एंड दिस इज़ बेसिकली फॉर अनइवन स्किन टोन के लिए है एंड सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ये बायो एक्टिव है, इसके अंदर मिनरल्स ऑयल एंड पैराबेन फ्री है। ये नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है विथ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। और अब हम देख लेते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। आपको इसको पी साइज और जो अमाउंट है वो अपने फिंगर टिप पे लेना है, और पूरे फेस पे अप्लाई करना है, नेक पे अप्लाई करना है, देन मसाज करना है इन सर्कुलर मोशन। इसको दो बार यूज़ करना है, दिन में और रात में, फॉर क्लियर एंड हेल्दी स्किन। जब आप इस क्रीम को लगाएंगे तो थोड़ा सा टिंगलिंग सा सेंसेशन आपके स्किन पे होगा बिकॉज ऑफ द हीलिंग प्रोसेस। ये हील करता है तो उससे आपको डरना नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको लगाने के साथ साथ आपको दूसरे टिप्स भी फॉलो करने हैं, जैसे कि 8 hours ऑफ स्लीप, 8 glasses ऑफ वाटर एवरी डे। सो यू नो इन्होंने और भी टिप्स दिए हैं कि सिर्फ ऊपर से लगाने से कुछ नहीं होगा, आपको थोड़ा इंटरनली भी हील करना पड़ेगा। सो लेट्स ट्राई दिस आउट बिकॉज मेरी स्किन ऑयली है एंड डेफिनेटली आई हैव ब्लेमिशेस ऑन माई फेस एज वेल। तो ऑब्वियसली मैं आज लगाऊंगी, और आज ही आपको रिव्यू नहीं दे सकती हूँ कि मेरे को कैसा इफेक्ट हो रहा है। एक्चुअल रिव्यू उसका 15-20 days 1 month के बाद एग्जैक्टली पता चलेगा। तो इसका एक्चुअल रिव्यू मैं डेफिनेटली मैं अपने हर प्रोडक्ट के रिव्यूज देती हूँ 1 month के बाद या 2 months के बाद। तो मैं इसका जो रिव्यू है वो 25 days टू 1 month के बाद आपको दूंगी कि मेरे स्किन पे कैसा इफेक्ट आया है इसका। तो अभी हम इसको लगाते हैं, तो बिल्कुल थोड़ा सा मैं अपने हाथ पे ले रही हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑल ओवर ऑन माई फेस। तो मुझे अभी एज सच कोई टिंगलिंग सा सेंसेशन नहीं हुआ, आई डोंट नो व्हाई, जबकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। तो मैं अपने प्रीवियस व्लॉग्स में जब मैंने अनियन रेंज का रिव्यू किया था, उसके 20 to 25 days मैंने उसका भी रिव्यू किया था कि वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा वर्क कर रहा है मेरे हेयर पे, एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रिव्यू दिस एज वेल कि ये मेरे स्किन पे कैसा वर्क कर रहा है। तो मैंने इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे देखे हुए हैं इन जनरल। मुझे बिल्कुल भी अभी अपने स्किन पे स्टिकीनेस और ऑयलीनेस जो होता है वो फील नहीं हो रहा है। सो दिस इज़ डेफिनेटली ऑयल फ्री। तो अगर ऑयली स्किन वाले आप हैं, जैसे मैं बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन वाली हूँ, तो अगर आप ऑयली स्किन वाले हैं कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। एज यू ऑल नो मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ में बोल चुकी हूँ, और जो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, मामा अर्थ इज़ अ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड। ये जितना प्लास्टिक यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा प्लास्टिक ये रिसाइकल करते हैं, और ये जितने भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उससे इनके प्रोडक्ट्स फ्री होते हैं एंड 100% नेचुरल होते हैं। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है प्रोडक्ट लिंक, तो यू कैन गो एंड बाय दैट प्रोडक्ट एज वेल, और आपको इसमें 20% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं। तो जो है मेरा बन रेडी हो गया है ऑलमोस्ट, सो आई एम रेडी, और मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में जब मैं निकलने वाली रहूंगी। टिल देन, हे गाइस, तो आई एम ऑलमोस्ट रेडी, और आपको ना आज एक चीज बताती हूँ। अभी क्या हुआ विक्की के साथ, विक्की को अपना फोन चेंज करना था, तो थोड़े दिन पहले, मतलब उसका फ़ोन ख़राब नहीं हुआ है, बट वो 1.5 साल में फ़ोन जनरली चेंज कर देता है, अपग्रेड कर लेता है अपना फ़ोन। एंड पहले विक्की को कौन सा
40,000 का कौन सा फोन था? OnePlus 7T. नहीं नहीं, उसके पहले जो आपने मेरे को बताया था, Lenovo का ही था ना कोई? हाँ, Z6 Pro लेना था, उसका अप्रॉक्स प्राइस था 40. तो मैंने विक्की को बोला, मैंने कहा यार 40,000 का आप ले रहे हो तो या तो आप OnePlus T लो या फिर आप iPhone लो. फिर विक्की ने कुछ अपना रिसर्च किया और पता नहीं क्या, वो 10,000 से ज़्यादा का फ़ोन नहीं लेता है. मतलब ही इस टाइप ऑफ आईफोन हेटर, एप्पल हेटर. मेरे लिए नहीं है, उसको खुद को पसंद नहीं है क्योंकि वो बहुत रफली अपने फ़ोन यूज़ करता है, ऐसे फेंकना वैसे फेंकना. हम दोनों का गुस्सा जो है वो इसी फ़ोन पे निकलता. विक्की का गुस्सा आता तब भी विक्की यही फ़ोन फेंकता, मुझे गुस्सा आता तब भी मैं यही फ़ोन फेंकती हूँ. नहीं, फ़ोन फेंकता हूँ, यही फ़ोन फेंकती हूँ. मुझे सिखाया किसने? विक्की ने फ़ोन फेंकना. कुछ भी ना, कुछ भी नहीं. ये बेचारा जो फोन है ना, अच्छी चीजें सिखाता वो तो सीखते नहीं बनती है. इसको नहीं फेंका. नहीं, मैं फेंकता भी हूँ इसको तो कैसे, बिस्तर पे या फिर चलो ये सोफे पे, इस तरीके अपने आप गिर जाता है. अपने आप गिर जाता है, अपने आप गिर जाता है. आदत दे देगा, अपने आप गिर जाता है विक्की का फोन. मतलब प्यार से ऐसे रखता हूँ तो वो उछल कूद करता हुआ दूसरे फोन में फेंक फेंकता है. इन शॉर्ट आप लोग समझ गए हो. अभी हम लोग जा रहे हैं क्रॉफर्ड मार्केट और कोलाबा. बहुत सडन प्लान बना है क्योंकि आज छुट्टी थी विक्की की. और विक्की आपको कहाँ जाना था? वेस्टर्न जाना है एक्चुअली. तो वहाँ से फिर ना विक्की बोलता है मैं भी चलती हूँ और क्रॉफर्ड मार्केट में दिवाली का क्या कलेक्शन है वो भी देख के आ जाएंगे. तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं. और बहुत ज़्यादा अगेन बहुत सनी है अभी, बहुत ज़्यादा सनी हो रखा है. क्या लेती हूँ मैं वहाँ से? डेफिनेटली दिवाली कलेक्शन में शूट ज़रूर करूँगी कि क्या क्या कलेक्शन आया है दिवाली का. और मैं आप लोगों से मिलती हूँ वहाँ पहुँचने के बाद. हम लोगों ने कार पार्किंग कर दी है, बहुत अच्छी सी जगह हमको मिल गई कार पार्किंग की. पेड पार्किंग है, हालांकि एक्सपेंसिव है बट एटलीस्ट कार सेफ जगह पे खड़ी रहेगी. और अभी हम लोग निकल रहे हैं सीधे फिश मार्केट की तरफ.
अब हम लोग घर जा रहे हैं। मैंने एक्चुअली सोचा था कि फटाफट से क्रॉफिट का काम करने के बाद हम लोग कोलाबा भी जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत टाइम से कोलाबा नहीं गई हूँ, बट वो नहीं हो पाया क्योंकि गई थी मैं वहाँ तक और अंदर बहुत लेन, तो बहुत पतली सी लेन है और उसमें इतना रश हो रहा था ना, इतना घसाघस भरा हुआ था और मैं थोड़ी थक भी गई थी, एग्जॉस्ट हो गई थी। तो मैंने बोला अभी घर चलते हैं अपन लोग, कोलाबा वोलाबा देखा जाएगा नेक्स्ट टाइम। और वैसे भी अभी कोलाबा से जो इयररिंग्स वगैरह है वो मेरे पास वैसे ही बहुत इयररिंग्स पड़े हुए हैं और मैं पहनती भी नहीं हूँ इतना, मैं नहीं गई और हम लोग घर निकल रहे हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ आज की ये हुई है क्योंकि आज गांधी जयंती है, रोड्स पूरी खाली है, हम लोग इतनी जल्दी है ना अपन कोलाबा से इधर निकल गए, हाईवे पे आ गए इधर पे बहुत जल्दी, हम लोग आज कहीं पर भी हमको ब्लॉकेजेस नहीं मिले, बेस्ट पार्ट ये हुआ है। दूसरा, क्रॉफिट मार्केट में बहुत अच्छा अच्छा स्टफ आया है दिवाली का, कुछ तो किचन वाली से रिलेटेड चीजें, वाली लेन में तो मैं घुसी नहीं हूँ क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा रश वही था, किचन वाली जो लेन थी जहाँ पे किचन मटेरियल मिलता है, बाप रे बाप, वहाँ तो पैर रखने की जगह नहीं थी। तो मैंने विक्की को बोला, मैंने कहा अपन को कुछ भी नहीं चाहिए, चलो यहाँ से। तो हम सिर्फ फ्लावर्स वाली लेन में गए, इलेक्ट्रिसिटी जो लाइट्स वगैरह मिलती है वो वाली लेन में गए हैं, फिर हम लोग रग्स वगैरह वाली लेन में गए थे और ऐसे चार पांच लेन हमने कवर करी है, बाकी हम किचन वाली लेन में घुसे भी नहीं है, जबकि मुझे लेना था एक दो चीज़ें, ग्लास वाली लेनी थी बट अब नहीं, अंदर घुसने की हमारी हिम्मत ही नहीं हुई। और दूसरी चीज़, प्राइस में देखूँ तो अफोर्डेबल नहीं मिल रहा है, थोड़ा बड़ा चढ़ा करके लोग प्राइस दे रहे हैं। और मैं जैसे पहले आती थी ना तो ये लोग थोड़ा सा मान जाते थे कि भैया 300 बोला है, तो मैं बोलती थी भैया 150 में दे दो प्लीज़, 180-200 में दे दो, तो वो दे देते थे। अभी नहीं मान रहे, बिल्कुल फिक्स्ड रिजिड है वो लोग अपने प्राइस के ऊपर, क्योंकि उनको पता है कि आप लोग लेकर के जाओगे ही जाओगे, दिवाली का टाइम आने वाला है। बाकी कलेक्शन ठीक आया है, ठीक है, बाकी सब तो आपने देख ही लिया कि क्या क्या आया हुआ है। और मैं घर पहुंच रही हूँ और घर पहुंचने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। टिल देन आने के बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं किया बिकॉज एक तो हम लोग थोड़ा सा थक गए थे, एंड देन फिर मेरी एक फ्रेंड आ गई थी, फिर हम लोगों ने डिनर वगैरह किया, लेट हो गया था, फिर बिग बॉस देखने लग गए थे, तो मैंने फिर बाद में कोई ब्लॉग नहीं किया। तो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है वहाँ से, वो सब बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आ रही थी बट वो मुझे पता था कि मेरे घर के लिए अननेसेसरी है और ओवर डेकोरेशन मुझे करना नहीं है अपने घर को, सो दैट्स वाई मैं बहुत सारी चीज़ें जो मुझे पसंद आ रही थी वो मैंने ली नहीं, बट यस मैंने वीडियो में इंक्लूड किया है कि आइडिया देने के लिए, जस्ट टू गिव यू अ रफ आइडिया कि इस बार दिवाली में क्या क्या आया है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट चीज़ से। तो मैंने ख़रीदा है ये इस तरह से बेल, ये ग्रीन एंड वाइट कलर में है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही थी मुझे, तो मैंने एक ये लिया है और एक ये वाइट कलर में लिया है, तो मैंने ऐसे ये दो बेल लिया है और ये मुझे पड़ा है 320 रुपीज़ में। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एक्सपेंसिव है लास्ट टू टाइम्स से, क्योंकि या तो मैं फेस्टिव सीजन के टाइम पे जा रही हूँ तो मुझे एक्सपेंसिव लग रहा है सब कुछ, अदरवाइज क्रॉफिट मार्केट इतना एक्सपेंसिव नहीं था, मतलब 150 रुपये तक, 150 भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ शायद इसको, ये 100-100 रुपये में वो लोग दे देते थे पहले, बट अभी क्योंकि उनको पता है कि लोग लेके जाएंगे ही जाएंगे, फेस्टिव सीजन है ही तो दिसंबर तक यही रेट्स चलने वाले हैं। देन उसके बाद मैं ये केज टाइप का लेकर के आई हूँ जो कि बहुत प्रिटी लग रहा था, और ये मैं लेकर के आई हूँ 400 रुपीज़ में, अगेन मुझे ये बहुत एक्सपेंसिव लग रहा था। मतलब मैंने हर जितने भी जो शॉप वाले होते हैं कॉलेज सबसे रिक्वेस्ट करके देखा, बट मुझे कोई भी बंदा 400 से कम का नहीं दे रहा था, तो ATM फाइनली मुझे ये 400 का लेना पड़ा। एंड देन उसके बाद मैं लेकर के आई हूँ, एक हमको बहुत ही शानदार सी क्राफ्ट की शॉप मिली है, उन लोगों ने मुझे वीडियो बनाने के लिए अलाउ नहीं किया बिकॉज उनका ऑब्वियसली उनका ऐसा मानना है कि डिस्क्लोज हो जाएंगी चीज़ें, बट क्या अमेजिंग क्राफ्ट का स्टॉक था वहाँ पर, बहुत ही पुरानी 40 ईयर्स पुरानी उनकी वो स्टोर है और ऑल ओवर इंडिया वो डिलीवर करते हैं। तो मैं ना मुझे शॉप का नाम पता है क्योंकि मैं तुक्के में उस शॉप में पहुंच गई थी, क्रॉफिट मार्केट में मैं हमेशा ऐसा होता है क्योंकि वो इतना बड़ा है, इतना अंदर 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 डेंस है वो, कि कहीं ना कहीं मैं तुक्के में निकल ही जाती हूँ किसी ना किसी शॉप में। तो ये मैं लेकर के आई हूँ वहाँ से इस तरह का स्माइल, आपने देखा होगा ये इंस्टाग्राम स्टोर पर काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं, 1200-1300-900-1000, बट मुझे ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया था, तो ये मैं लेकर के आई हूँ। लकड़ी का है ये, जो भूसा होता है ना उसका बनाते हैं ये लोग, कार्डबोर्ड एंड भूसा मिक्स करके बनाया जाता है, एंड इसके ऊपर मैं पेंट करूँगी और देखती हूँ उसको कैसे मैं डेकोरेट करूँगी। तो इसको आप वॉल पे भी लगा सकते हैं एंड इसको आप रख भी सकते हैं, तो इसको मैं ये लेकर के आई हूँ। दूसरा, मैं इस तरह का एक पेयर लेकर के आई हूँ, कपल पेयर, तो मैं इनका क्या करने वाली हूँ वो आपको बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा।
और ये मैं अल्फाबेट्स लेकर के आई हूँ, जो कि अगेन लकड़ी के अल्फाबेट्स हैं, तो ये मैं लेकर के आई हूँ. तो जब मैं DIY करूँगी तब आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाली हूँ. एंड उसके बाद मैं एक ये एक्चुअली विक्की को बहुत पसंद आ रहा था, मैंने कुछ और लिया था बट वो चेंज करके मुझे ये लेना पड़ा क्योंकि विक्की को ये ज़्यादा पसंद आ रहा था. तो दिस इज़ लाइक ये बहुत ही कॉमन है यार, मतलब मुझे इतना कोई खास नहीं लग रहा था बट ठीक है ले लिया. तो ये लव है और यहाँ पर आप उसको लगाओगे कहीं पर भी तो ये जलता है येलो कलर में. तो जब मैं डेकोरेट करूँगी, मैं कैसे डेकोरेट करूँगी, क्या करूँगी, सब मैं एंड में आपको बताऊँगी. इसको ये मुझे मिला है 400 ऐसे कुछ का मिला है ये. तो ठीक है, नेक्स्ट मैं लेकर के आई हूँ ये नेल ग्लू, जो कि मैं फेक नेल्स लगाती हूँ उसके लिए मैं ग्लू लेकर के आई हूँ. सो दिस इज़ बेसिकली अ प्रोफेशनल ग्लू. ये जब आप पार्लर्स में जाते हो नेल्स करवाने के लिए तो वो लोग जनरली यही वाला ग्लू यूज़ करते हैं. इनफैक्ट मैं एक्रेलिक पाउडर और वो जो लिक्विड होता है मैं वो भी लाने वाली थी बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास एक्रेलिक लिक्विड अवेलेबल नहीं था, अदरवाइज मैं वो पाउडर लाती और सब कुछ घर पे करती. बहुत अफोर्डेबल पड़ता मुझे. ये मुझे पड़ा है हार्डली 220 रुपीज़ का. इसका बड़ा वाला वर्जन पार्लर्स में रहता है बट मुझे लेने का इतना ज़रूरत नहीं था क्योंकि मेरे को खुद के लिए करना है, इतने सारे लोगों के लिए मैं करती नहीं हूँ. इसका नाम है ग्लैम नेल ग्लू और क्या है थोड़ा सा इसमें वार्निंग वगैरह दिया हुआ है तो वो ध्यान में रख करके आपको उसको यूज़ करना होता है क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है. देन उसके बाद मैं एक लाई हूँ आई लैश ग्लू, दिस इज़ फ्रॉम प्रो आर्टे. तो मैं फर्स्ट टाइम प्रो आर्टे का आई लैश ग्लू यूज़ कर रही हूँ. मैं जो लास्ट वाला आई लैश ग्लू यूज़ कर रही थी वो बहुत ही अच्छा था, उससे मेरी आई लैशेज बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहती थी वो और बहुत प्रिटी भी लगता था. तो यस, और नेक्स्ट मैं लेकर के आई हूँ जो मैंने अपना बैग्स की शॉप बताई थी जिसमें से वहाँ से मैं लेकर के आई हूँ ये वाला पोटली बैग नहीं है, ये हैंडबैग स्टाइल में है बट ये साड़ीज में लहंगा में बहुत अच्छा लगेगा. मैंने उनको स्पेसिफिकली बोला कि आप ऐसा मुझे दो जिसमें मैं अपना कैमरा रख सकूँ, मोबाइल रख सकूँ और थोड़े बहुत पैसे रख सकूँ. तो आई थिंक दिस इज़ परफेक्ट. मैं आपको इसको पास से दिखाती हूँ. ये मुझे उन्होंने दे दिया था आई थिंक 500 रुपीज़ में मिला है ये मुझे, और पता नहीं मुझे नहीं पता मार्केट में इसका प्राइस क्या चल रहा है. मुझे एनीवेज ये लेना था और वहाँ वैरायटी बहुत थी तो मैंने ले लिया. मैं ये नहीं बोलूँगी कि वहाँ पर सस्ता था, 500 आई थिंक ठीक है ये. और ये वाला मुझे मिला है दिस वन, क्योंकि एक्चुअली ये पूरे क्लस्टर्ड है, इनके अंदर पूरा हैंडवर्क है, अलग अलग वेराइटी में आते हैं. एक मशीन वर्क वाले आते हैं जो 350 रुपये के थे, एक और मोती का हैंडवर्क था जो 1200 रुपये का था, तो मुझे इतना एक्सपेंसिव भी नहीं लेना था और वो जो मशीन वाला था वो इतना खास नहीं लग रहा था. और दूसरा मैंने ये लिया है तो ये भी 400-500 कुछ का ही है. तो मैंने ये दो अलग अलग उसमें लिया है तो ऐसा. उसके बाद और मैंने ये कलर इसलिए लिया है क्योंकि हर आई थिंक मेरे जितने भी एथनिक वेयर है उनमें या तो गोल्डन है या कॉपर है, सिल्वर कलर के वर्क वाली चीज़ें मैं पहनती नहीं हूँ तो आई थिंक ये उसमें चला जाएगा आराम से. उसके बाद दो मैंने लिए हैं इस तरह के स्कार्फ, स्टोल आप बोल सकते हो. तो ये 100 रुपीज़ में दो मैंने लिए हैं. मैं इसका आपको रीज़न बताती हूँ कि मैंने ये क्यों ख़रीदा है. मैं बहुत टाइम से H&M जब भी जा रही थी ना तो मुझे वो वैसा वाला बैंड लेना है, तो मैं जब भी वो बैंड देखती हूँ 600 रुपीज़ का एक इस तरह के कपड़े का बैंड होता है. वो नॉर्मल प्लास्टिक के बैंड के ऊपर ये लोग कपड़ा लपेट देते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर कुछ भी रिबन वाला लगा देते हैं. तो मतलब यार 600 रुपीज़ का एक आप समझ रहे हो, ये मैं 100 रुपये के दो कपड़े लेकर के आ गई हूँ. मैं एक 50 रुपये का या 10 रुपये का वो प्लास्टिक का बैंड आता है आई एम श्योर, तो मैं उसमें DIY कर लूँगी. मुझे है मन करने का बट इतना एक्सपेंसिव भी मुझे नहीं लेना है कि 600 रुपये का मैं खरीदूँ, तो वो ओवर एक्सपेंसिव था इसलिए मैंने नहीं दिया. तो बस मैंने इतनी ही शॉपिंग करी है क्रॉफर्ड मार्केट से और दैट्स इट फॉर माय वीडियो. आई होप यू लाइक माय वीडियो. इफ़ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.